सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे बढ़िया, हम भी हैं एकदम बढ़िया। और यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज है जन्माष्टमी और हम लोगों ने भी फास्ट रखा हुआ है, मैंने और विवेक ने भी। तो मैं रेडी हो रही थी, बीच में विवेक कर रहे थे किकी को रेडी, पर उसको बड़ी मुश्किल से रेडी करा। मैं दिखाती हूँ उसको कैसे रेडी किया। लास्ट ईयर तो वो छोटी थी तो अच्छे से रेडी हो गई थी, पर इस बार उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो बस वो कुछ चीज़ें देख के वो इरिटेट होने लगती है कि मैं, मुझे ये नहीं पहनना है। वो अपनी चॉइस के कपड़े पहनना शुरू कर रही है, तो उस तरह से उसको हमने मुश्किल से रेडी करा है अभी। सो मैं आपको दिखाती हूँ वो। तो यहाँ पे मैंने निकाल दी थी किकी की काना वाली ड्रेस, जो उसने लास्ट ईयर भी पहनी थी। तो अब किकी होगी रेडी और बनेगी काना। किकी आ जाओ, वाओ देखो अपनी ड्रेस देखो, ये तुम्हारा मुकुट और ये इसकी झुर्री। ठीक है किकी, तो अब रेडी हो जाओ फटाफट। चलो पापा करेंगे किकी को रेडी, पापा करेंगे रेडी। तो किकी पापा के पास तो रेडी नहीं हो रही थी, बट मैंने भी ट्राई किया किकी को रेडी करने के लिए और बड़ी मुश्किल से उसे रेडी किया। कुछ भी नहीं पहन रही है। वाओ, जय 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 जवानी अच्छी। अच्छा चलो रहने दो, बाद में पहनना। मैं करती हूँ अभी ट्राई, पहनती है किकी की नई इयररिंग्स। लो क्या बता, अपने मम्मा से पहन ले। आप ना निकाल भी दिया। निकाल दिया, ये नहीं पहने यार, मैंने बनाया था इसको। वाह वाह किकी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल किकी। काना किकी का टीका रह जाता है पेंडिंग, हम लगाएंगे किकू को टीका। अच्छा मैं लगा रही हूँ किकी का टीका। लग गया किकी टीका, टीका हो गया, अच्छे लग रहे हो। किकू का टीका देखो, तैयार करना मतलब इसकी हर डिमांड पूरी करना। कहाँ चला हमारा काना? आओ इसके बस रियान का 2 मिनट ले लेते हैं फोटो वगैरह वीडियो। हाँ मंदिर जा रहे थे हम। हाँ जी। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे अंकल जो किकी को बुला रहे थे अंदर, क्योंकि उनके घर में भी आए थे बहुत सारे बच्चे, तो किकी बनी हुई थी काना तो उसको अंदर बुला रहे थे। पर हमने बोला अंकल बड़ी मुश्किल से रेडी किया है और अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं इसको लेके। और पहले हम गए पार्क इसकी कुछ फ़ोटोज़ और रील्स बनाने, तो पहुँच गए थे पार्क। हेलो कुमारो लगा, ये मेरा सीरियस काना, ये काना काना भाग गया, भाग गया काना। काना जी कहाँ जाना अभी, झूले पे? आजो तो आजो। ये काना वॉक करता हुआ हमारा काना। वैसे हमारा प्लान था किकी को राधा बनाने का, पर किकी से अभी यही नहीं संभल रहा है, तो राधा की चुन्नी कैसे संभालेगी, इसलिए इसको नेक्स्ट ईयर बनाएंगे हम राधा, है ना किकू? सुंदरू लग रहा है मेरा काना। सो हम लोग पार्क तो पहुंच गए, लेकिन किकी का मूड बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, उसका मूड ही ठीक नहीं हो रहा था। तो बस फिर यहाँ पे पहुंच गए, फिर हमने उसकी रील्स बनाई और वीडियो ली प्यारी प्यारी सी। काना
बताना जी कहाँ चले गाड़ी में। सो आज है जन्माष्टमी और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर, और हमारा गाना निकल और हमारा कान्हा देखो ऐसे अभी सनरूफ से बाहर निकल रहा है। कान्हा जी इधर हो जाओ। कान्हा का मुकुट भी थोड़ा सा ढीला हो रहा है अभी। वो अभी जा रहे थे हम मंदिर श्री लड्डू गोपाल जी के, और वहाँ पे दर्शन करके लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेके अभी वापस आएंगे। तो मंदिर जा रहे हैं क्योंकि चीकी के साथ हम लोग रात को तो वहाँ रुक नहीं पाएंगे, तो अभी लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके आएंगे और अपने लड्डू गोपाल के भी दर्शन करवा के लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, मंदिर हम लोग आते रहते हैं यहाँ हर हफ्ते हम आते हैं वीकेंड पे, और यहाँ पे पंडित जी भी हमें जानते हैं और किकी भी जानती है पंडित जी को, तो वैसे ही हम यहाँ पहुंचे और किकी की हो गई थी बातें पंडित जी से शुरू। सो यहाँ पे हमने झुलाया लड्डू गोपाल जी को झूला, पहले कीकी और कीकी के पापा ने और फिर मैंने और कीकी ने मिलके झुलाया झूला। झुलाओ झुलाओ के लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे है शिव मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के बाद हम लोग पहुंचे शिव मंदिर दर्शन करने के लिए। करो जय, सिट डाउन, वेरी गुड, सिट डाउन। यहाँ जो यहाँ बैठो, बैठ के करो जय, चलो करो जय। मैं दिखाती हूँ आपके पूरे मंदिर का व्यू, है ना, ये शनि मंदिर और यहाँ पे है शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, काफी पुराना मंदिर। सो हमारी पूजा पाठ हो चुका था, दर्शन भी हो गए थे लड्डू गोपाल जी को, झूला भी झूला लिया था, शिव दर्शन भी हो गए, और यहाँ पे नवग्रहों के दर्शन पूजा करी, और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए थे अब बहुत खुश, उनका मूड भी ठीक हो गया था पूजा करके लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके, और वो हो गए थे उनकी तरह नटखट और यहाँ पे कर रहे थे शैतानियाँ। जय, वेरी गुड जी, मैं कहाँ बैठूं? ये है रखने के लिए। कहाँ रखते हैं? ओए कान्हा, मैं आजू, मैं आऊं? क्यों? अकेले बैठना है आपको? ठीक है आप बैठो पापा साथ में, जा रही हूँ पीछे। ठीक है आप लोग बैठ जाओ, आ गया ना है? बाय कीकी। ठीक है जी, बहना जा रहे हैं खुद आगे ही, मैं बैठ ठीक है। खुश है? अब खुश हो किकी? इतनी खुशी मम्मा को पीछे बिठा के, गिरना मत, आराम से बैठो, आराम से बैठो, सिट प्रॉपरली, हाँ पापा को तंग मत करना, आराम से बैठो। तो मंदिर में दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन अब किकी ने मुझे पीछे बिठाया हुआ है, और अब हम लोग जा रहे हैं एक पॉट लेने, और
और प्लांट भी देखती हूँ, कुछ प्लांट भी लेने हैं मुझे। मेरे एक तो पॉट खाली हो चुके हैं, तो एक मनी प्लांट के लिए पॉट लेना है बड़ा सा, तो हम सोच रहे हैं कि पॉट ले ही लेते हैं। तो फिर विवेक के पास भी टाइम नहीं होता है, तो अभी आज बाजार निकले ही हैं बाहर, तो मुझे रहते हैं। और क्योंकि भी अभी थोड़ी सेटल्ड है, अभी इसका मूड खराब हुआ नहीं है, तो ये वही नर्सरी है जिसमें एक बार हमने प्लांट लिए थे, आज भी हम वहीं पहुंच गए हैं, जस्ट गुरुद्वारे के पास। उस दिन तो हम रात को आए थे, लेकिन आज अभी थोड़ी दिन है, अभी शाम हो गई है। तो देखते हैं भैया के पास पॉट। क्या नाम है इस प्लांट का? अरेलिया। अच्छा, व्हाइट कलर और ये ग्रीन, ये दो ही रहेंगे। सो लास्ट टाइम आपको मेरे पिछले ब्लॉग में याद होगा, जब हम आए थे तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, लेकिन आज हम टाइम से आ गए थे। तो फिर फटाफट से मैंने एक प्लांट लिया और ये पॉट लिया मैंने बुद्धा जी का, और बस फिर भैया ने उसे रखवाया फटाफट से गाड़ी में। और ये भैया बोल रहे हैं कि मेरी नर्सरी का नाम बता दो, कमरूल हुसन। सो फटाफट से प्लांट और पॉट लेके अब हम लोग सीधा निकल चुके थे घर, और हम लोग पहुँचते हैं घर। तो घर पहुँचते ही अंकल फिर से हमें मिल जाते हैं, मतलब अंकल कहीं काम से जा रहे थे तो फिर से अंकल हमें मिल गए। और यहाँ पे किक्की चली गई अंकल की गोदी, अभी अंकल को कहीं जाने नहीं दे रही थी, उन्हें बोल रही थी यहाँ चलो हमें मेरे घर चलो, ये देखो लेके जा रही है साथ में। चलो इधर चलते हैं। नहीं, ऊपर ही जाना। कम बोल दो अंकल को, आज जो बोल दो कम। चलो 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 चलो, आप पापा अंकल को ले जा रही हो। हाँ पापा, बाय। अब अच्छा, आपको बाय बोल रही है। मम्मा अंकल को रहने दो, अंकल जा रहे हैं काम से, जा तो अंकल के। ओए ओए, काम में देखो हमारी काम में। ओ शाबाश, रख दो रख दो। ओ वेरी गुड, यहाँ रखो यहाँ, शाबाश काम बच्चा। सो यहाँ पे हम लोग भी घर पहुँच के, मतलब हाथ मुँह धो के अपना फ्रेश हो के यहाँ पे कर रहे थे पूजा की तैयारी। अब घर आके भी हम लोगों ने धूप जलाया, दिया जलाया, भगवान जी को कान्हा जी को याद किया क्योंकि हमारा फास्ट था, तो घर पे भी पूजा पाठ करी। और बस इस तरह से बनाया हम लोगों ने अपना जन्माष्टमी का त्यौहार। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था, मैंने और विवेक ने, और इस बार किकी भी थी हमारे साथ। तो किकी पहले से अब काफ़ी बड़ी हो गई है, दूसरी चीज़ें समझ आने लगी हैं, तो बस वहीं हमने पूजा पाठ किया, भगवान जी को याद किया। और ब्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ किकी की लास्ट ईयर की मेमोरीज़, जब वो फर्स्ट टाइम कान्हा बनी थी तो कुछ ऐसा लग रहा था हमारा कान्हा, और कुछ उसके क्रैच से भी उसकी मेमोरीज़ आई थी, उसकी पिक्स आई थी उसकी राधा के साथ, तो हमारा कान्हा लग रहा था बहुत ही क्यूट। आप भी देखो। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।